जैसे इसमें कुछ चीज़ें मैंने भी एड ऑन किया, लाइक लास्ट टाइम हम लोग को देखा था सेल था हमारे पास, सेल देन सिमेट्रिकल सब कुछ हमने मैनेज कर दिया था। अपन प्रॉपर ये पार्ट यहाँ पे आ गया, अभी हमें थोड़ा सा ट्विक करना है, ट्विक करना है लाइक इसको थोड़ा सा इसके नीड के अकॉर्डिंग मैनेज करना, लाइक प्रॉपर इसके कॉर्नर के अकॉर्डिंग सेट करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लाइक सिमेट्री मैश स्मूथ ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल आते हैं वर्टेक्स पे, इनको थोड़ा सा मैनेज करके देखते हैं कि यार किस तरह से मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। लाइक सेल के साथ आप चीज़ों को और अच्छे से फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, जितने पार्ट आपके पास यहाँ पे देखेंगे वो प्रॉपर थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ मैनेज हो यहाँ पे, ठीक है। लाइक सपोज़ कर यहाँ पे बस वर्टेक्स, यहाँ पे जो वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग ट्विक करके मैनेज के बाहर निकालते हैं, जो पार्ट अंदर की तरफ गया है तो उसे ट्विकिंग चाहिए हमें यहाँ पे। इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, और कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, लाइक कॉर्नर टू कॉर्नर ये प्रॉपर सेट होना चाहिए, किस किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। लाइक सिमेट्रिकल मैंने आपको ऑन करना है, सिमेट्रिकल मैं यहाँ पे चीज़ को मैनेज करता हूँ, ठीक है। और सपोज मैं उस जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से थोड़ा सा जेड फोर जूम, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। ट्विक करना हमें आना चाहिए, ट्विकिंग हर जगह में हमारे पास काम आता है यहाँ पे। शेप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, देखो कहीं पर कोई पार्ट लगता है दबा हो तो आप सेलेक्ट करके आप मैनेज कर सकते हो, लाइक चीज़ बाहर निकालो थोड़ा, ठीक है। तो ट्विकिंग आपके यहाँ पे काम आने वाला है यहाँ पे, लाइक कोई मॉडल बनाने के बाद हम लोग हल्का सा ट्विक करते हैं यहाँ पे, जिसको शेप्स को बाहर लाने में हेल्प करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सेल देन मैश स्मूथ मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये पार्ट है, इस वाले पार्ट का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये पार्ट बाहर होना चाहिए थोड़ा सा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। एल फॉर लेफ्ट, F3 शेप्स को मैं सेलेक्ट करते हैं और देन मैं इसे अप कर देता हूँ, ठीक है। और तो बाहर विजन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। P4 परस्पेक्टिव एंड जेड F3 ठीक है, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, कोई पार्ट ने इसे क्रॉस नजर नहीं आना चाहिए। लाइक शेप्स के यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होता है मैं चाहिए को मैं मैनेज कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने, ओके दिस वन, ठीक है। लेफ्ट यहाँ पे तो मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फ्रंट एंड जेड फॉर जूम, और हल्का सा मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ पे लिटिल बिट, ठीक है। परस्पेक्टिव एंड जेड, कई तरीके हैं हमें चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे, ठीक है। तो देन इनको सेलेक्ट कर दिया मैंने हल्का सा पीछे की तरफ, मैनेज कर सकता हूँ पे, ओके। लाइक आपस में क्रॉस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अगर क्रॉस होता तो थोड़ा और लगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डू वन थिंग, हल्का सा स्केलिंग ऐसा करके कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि जेब बस यहाँ पे आ सके यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट पार्ट लाइक हमें कैसे क्या काम करना, लाइक हमें सबसे पहले हमें ये देखना है इसके सुलेसेस, देन ये पीछे का ये होल्स, ठीक है, और स्टिचेज इन्हें बनाना। तो पहले प्लानिंग हमारी क्या होगी, इस पर थोड़ा सा काम करते हैं, ओके। अभी हम लोग पहले क्या करना है, लेकिन मेरे पास जो सोलेसिस के जो बोल्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें सोलेसिस के पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, उसे मैं पहले अरेंज करना। अरेंज करने के लिए मैं पहले क्या करूँ, इसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हर एक के पास अलग अलग पार्ट है, तो डू वन थिंग, यहाँ पे शेप्स को थोड़ा कनेक्टिविटी के साथ मैनेज करते हैं। तो थोड़ा देख लिया, हेवरी ऑफ कर देते हैं, सिमेट्री ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री मेंटेन करेगा तो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा, सेल भी ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। तो डू वन थिंग, लाइक ये शेप दे रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ मैं बस यहाँ पे ये मैनेज करने की कोशिश की यहाँ पे, इसके अगर मुझे उन्हें कनेक्टिविटी देने, लाइक ये पार्ट अगर मैं दूँ यहाँ पे, लाइक मुझे यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे चाहिए इतने पार्ट में, ठीक है। तो देन मैं चाहिएगा थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक सिर्फ, ओके। ठीक है, एजिस पे चलते हैं यहाँ पे, ओके। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एडिट, एडिट स्विफ्ट लूप, लाइक क्लिक, एक लूप यहाँ पर जाएगा, जितने भी पार्ट है उन सबको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे मैनेज कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिंग का प्रॉपर ध्यान रखना, स्पेसिंग प्रॉपर हो ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो उसके यहाँ पे, ठीक है। और लाइक
वैसे ये मेरे पास पार्ट है, इस पार्ट के लिए मैं अभी क्या करने वाला, लाइक ओके ऑल्ट आर, देन यहाँ पे हम लोग कनेक्टिविटी दे सकते हैं या सिंपल मैं स्विफ्ट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने लेवल पे मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। स्पेसिंग का ध्यान रखना, लाइक मैं कहीं पर कोई सेगमेंट अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ उसके पीछे इसकी स्पेसिंग भी मैटर करती है, लाइक उसकी स्पेसिंग को मैं किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी नीड है एक सेगमेंट की, तो हम लोग यहाँ पे एक और काम कर देंगे यहाँ पे। ओके ऐड इट स्विफ्ट लूप। ओके देन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। आप ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से चीज़ को आप मैनेज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखा तो हर एक बोल्ट के लिए एक एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे रीअरेंज कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ताकि यहाँ सेफ तो सा पे बैठा हो सके। यहाँ पे कोशिश करना यहाँ पे जो जो भी पार्ट यहाँ पे लाइक एजेस का अगर मैं मैनेज करता हूँ, लाइक लूप है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, एजेस पे चलते हैं यहाँ पे। डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, ओके इतना पार्ट, और देन मैं यहाँ पे स्लाइडिंग यूज़ कर सकता हूँ नॉर्मल सा, ओके लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था लूप, ठीक है, इतने पार्ट की नीड है, इतना पार्ट को डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, देन ऊपर स्लाइडिंग यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो स्पेसिंग में बस यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। ओके ऐसे करके हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क को थोड़ा सा रीअरेंज किया जा सकता है यहाँ पे। तो गाइस थोड़ा सा इन सबको थोड़ा सेफ को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन दूसरा पार्ट, अगर मैं मुझे वाला पार्ट बनाना है, इस वाला पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मैं सेप्स को देखूँ यहाँ पे, ठीक है, इस सेप्स को अगर मैं देखूँ लाइन्स में बना सकता हूँ यहाँ पे, लाइक जी फॉर ग्रेट, ठीक है। अब मैं इस सेप्स को मैं देखूँ यहाँ पे, मैं सेप्स कैसे गया यहाँ पे, अगर मैं कहूँ नॉर्मल सा पार्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे, ठीक है, मुझे अगर इसे अरेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1 2 3, ठीक है, लाइक इतने पार्ट को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सपोज एक बेसिक शेप दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके लेंथ, ओके वाई एन मिनिमम, रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके 90 में बस रोटेशन है, 90 रोटेशन मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन लाइन के साथ हमें चलते हैं यहाँ पे, जो बस पॉइंट है यहाँ पे W, इसे करते हैं लाइक हल्का सा फ्लिट एंड सैम्फर, ऑल्ट क्यों प्रोसेक्टिव एंड जेड, थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो देन ओके लाइक फ्लिट का ऑप्शन में बस यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फ्लिट क्लिक, हम इसके अमाउंट वाली चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, लाइक ओके इतना पॉइंट मैं कर सकते हैं यहाँ पे, और दोनों पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। लाइक नीचे वाला पार्ट को मैं सैम्फर कर दूँगा यहाँ पे, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा विजुअल नहीं, तो दो पॉइंट से मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना कई बार ऐसा काम ना करते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके या ऑल प्रेस करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हम लोग फ्लिट से यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्लिट है, ठीक है, बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं बेसिक से शेप को मुझे मैनेज करना, लेफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक है, तो ऐसे शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। इसके बीच में सोलेसिस का पार्ट में ऐड ऑन करना है पे, तो मैं कितने पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये बस पार्ट पूरा आ जाएगा लाइक, ठीक है। सेगमेंट्स यहाँ पे लाइक मैंने कर दिया अप्रॉक्सीमेट 16 या 32 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाहर निकलते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक ऑन आइड ऑल, ठीक है, और कोशिश करते हैं यहाँ पे अरेंज करने के, यहाँ पे हाइट कर दिया मैंने हाइट, ठीक है, और F4 फ्रंट एंड जेड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शेप्स को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे, और स्केलिंग के साथ थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेप से मैं बस यहाँ पे शेप्स को मैं थोड़ा सा रोटेशन कर दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक यहाँ पे एक और पार्ट भी, लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट एंड प्लेस, ये तो क्या पार्ट देखो, आप मॉडल को आप यहाँ पे अपने मॉडल को ऐसे ही प्लेस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है,
लगता है हमें ऐसे कुछ प्लेस करना है तो हम लोग ऐसे चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं हमें, लेकिन एंगल यहाँ पर डिपेंड करेगा यार किस एंगल पर कैसे हमें मैनेज करना है, सिलेक्टर प्लेस का भी काम होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे प्लेस करें तो ऐसे कर लो, या मैनुअल करना चाहो मैनुअल भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पार्ट लाइक लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे, और ये क्रॉस में है, लाइक क्रॉस में लाइक इसका जो मैं कहूँ लाइन का मेरा पूरा पार्ट है, इनको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे परस्पेक्टिव, देन थोड़ा सा नीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, लगता है गलत एक्सेस पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। व्यू एंड लोकल कर दो यहाँ पे, लोकल तो यहाँ पर काम सही करेगा यहाँ पे। ठीक है, इवन आप चाहो जैसे यहाँ पे कुछ पार्ट है ना इसके बीच में थोड़ा सा डिफाइन करना चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक ऑल्ट क्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, लाइक इसके बीच में मुझे रिफाइन करना है, रिफाइन भी कर सकते हैं। सेगमेंट पर चलते हैं यहाँ पर, सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ओके, वन डिवाइड एंड टू डिवाइड। ठीक है, इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, लाइक प्रेस वन, आप इसे सेलेक्ट करके आप अंदर की तरफ प्रेस भी कर सकते हो आप यहाँ पर। तो सेफ आपका ऐसे भी कुछ मैनेज हो जाएगा, इसमें आपको दिखा देंगे, लेकिन इतना पार्ट आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, राइट क्लिक करना है डॉल, इसको हम लोग आराम से प्रॉपर प्लेस करके अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाए यहाँ पे लाइक। ठीक है, तो सब हम लोग मॉडल में देखते हैं, लाइक ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट के लिए थोड़ा सा एक और काम करते हैं यहाँ पे, इस मॉडल को हम लोग ऑल्ट क्यू कर देते हैं, लाइक जितने पॉलीगन्स हैं पॉलीगन्स में हमें सेम फंडा यूज़ करना है यहाँ पे, लाइक एज यू नो लाइक पॉलीगन्स में चलना है हमें यहाँ पे पॉलीगन्स। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, अनाइड ऑल। ठीक है, लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे F3, और तो पहले मैं बेसिक शेप बनाने की कोशिश कर लेता हूँ पे, राइट क्लिक एंड हाइड। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, लाइक पॉलीगन्स में चलते हैं यहाँ पे पॉलीगन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे, चलते हैं लाइक ऐसा कुछ किया, राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, इंसर्ट, इंसर्ट में ऑप्शन होता है यहाँ पे बाई पॉलीगन्स यहाँ पे। ठीक है, बाई पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ऐसा कुछ कर दिया हमने अरेंज। ठीक है, थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे सेप से वैसे हमें चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे तो यहाँ तक, यहाँ तक से ये इसको मुझे इंडिविजुअल भी करना पड़ता है, मैं इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो कर सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ। ठीक है, देन सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, सेल पे चलते हैं, सेल ऑन। ठीक है, मैं स्मूथ ऑन, तो राउंडनेस आपको पार्ट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो देन इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, लाइक बोल्ट है, इस बोल्ट को मैं आराम से अरेंज करना है लाइक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो भी डेप्थ दिखाना, मैं डेप्थ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक पहले प्लेसमेंट देख लें यहाँ पे, ये पार्ट एफ फॉर फ्रंट एंड जेड। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके, ठीक है, थिकनेस है, लाइक थिकनेस वाइज में यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे वर्टेक्स शेप्स का पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर फॉर इसके लाइक लिटिल बिट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, डब्ल्यू फॉर मूव, तो ऐसा कुछ करके कुछ मैनेज करके काम कर सकता है लाइक शेप्स यहाँ पे विजुअल। अब मैंने यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जो शेप्स यहाँ पे उसको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, उसे भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हैं लाइक कॉपी। ठीक है, आज आप चाहो तो इंस्टेंस भी कर सकते हो आप यहाँ पे, इंस्टेंस लाइक कितने नंबर चाहिए, 7 कर दें यहाँ पे, या तो मैं इसको ऐसे मैनेज कर दूँ, या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पे टूल्स, देन एरे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, एरे भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक मूव नंबर ऑफ कॉपी कितने चाहिए, 7 है ना, फिर भी कर दें यहाँ पे, कौन सा एक्सेस में चाहिए, देखो यहाँ पे वाई है ना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइक जितने भी पार्ट है। ओके, जस्ट नए नए टूल्स भी आपको ऐड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे, लाइक आप टूल्स के बारे में जान भी लोगे, मुझे वन बाय वन करके प्लेसमेंट भी आ जाएगा यहाँ पे, लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे बाहर निकलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन तो इसे प्लेसमेंट आपको यहाँ पे सही करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ओके, ठीक है, लाइक डू वन थिंग यहाँ पे आपने सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैनुअल प्लेसमेंट का काम आपका यहाँ पे होगा, लाइक थोड़ा सा रोटेशन, रोटेशन भी दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंगल ऑन करके देख लेना आप यहाँ पे, जस्ट पहले वन बाय वन करके आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज करो आप यहाँ पे। ठीक है, हल्की सी रोटेशन, ठीक है, देन आप हल्का सा आप भी करो, बाहर निकालो यहाँ पे। ठीक है,
लेकिन मैं फ्रंट और साइड व्यू से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर और व्यू में भी प्रोस्पेक्टिव में जाके हम लोग यहाँ थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, थोड़ा पेशेंस आप काम ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइक एक पार्ट में साथ छूट गया। ओके जस्ट कॉपी कर लो आप यहाँ पे एज इंस्टेंस। ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे सेप्स में बस यहाँ पे इन सेप्स को थोड़ा मैं मैनेज करने वाला हूँ। अब प्रोसेक्टिव में प्रोसेक्टिव में कैसे मैनेज करना है आपके यहाँ पे, लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है अब मैं प्रोसेक्टिव वाइज मैं चाहिए थोड़ा सा इसको बेटर वे में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ लाइक। ठीक है यहाँ पर मैनेज कर देंगे लाइक इसके सेप्स को मैनेज करेंगे, सेप्स को लाइक पूरा होल्स वाला पार्ट नहीं देखना चाहिए। ठीक है तो वो हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे लाइक सेलेक्ट कर दें यहाँ पे देन। ओके सेलेक्ट कर दिया देन यहाँ पे रोटेशन। ओके ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी लाइक मूव रोटेट एंड स्केल का, कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो। ठीक है किस तरह से चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके लाइक बहुत ज़्यादा टाइम देकर हम चीज़ को और बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। देन देखो नीचे वाले पार्ट के जो होल्स हैं वो बहुत बेटर है कंपेरिजन टू अपर पार्ट। ठीक है चीज़ को मैनेज कर सकते हैं पहले शेप में बस यहाँ पर आ जाएंगे। ओके स्पेसिंग और देन ओके लाइक ऐसा कुछ पार्ट हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है लाइक इसमें तो क्या थोड़ा शेप में पास ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ लाइक सपोज सेलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स को, सेलेक्ट करते हैं मैंने वर्टेक्स डब्लू। ठीक है आप थ्री प्रोसेस करके देख लेना आप यहाँ पे। मैं इनको ऐसा कुछ मैनेज भी करने वाला लाइक लोकल नहीं व्यू पे चलते हैं यहाँ पे व्यू। ठीक है ऐसे कुछ शेप्स को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर फ्रंट एंड जेड ठीक है और एज कॉन्स्टेंट पे लाइक। ठीक है ऐसे कुछ किया जा सकता है यहाँ पे तो सेप्स है मेरे पास यहाँ पे। ओके टॉप लेवल ठीक है सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देन थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ को डिफरेंट वे में आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है ऐसे भी कुछ हम लोग काम कर सकते हैं इसमें, और भी थोड़ा टाइम देकर हम चीज़ को अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ टाइम हम लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं पे। ठीक है आई वॉन्ट की सेम चीज़ आपके बगल में आ जाए तो हम लोग एक काम करते हैं सबको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है और सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टेंस इंस्टेंस को ब्रेक करते हैं लाइक ब्रेक कर दें इंस्टेंस। ठीक है एडिट पॉली सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, एक एडिट पॉली है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है अटैच में हम लोग काम करते हैं अटैच अटैच में देखो मल्टीपल आपके यहाँ सीधे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जस्ट पॉज कर। ठीक है ओके देन हम लोग अटैच कर देते हैं अटैच, ये मेरे अगर अटैच हो गया लेकिन मेरे पास हिस्ट्री है, मैं अगर इसे ब्रेक कर दूँगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ओके राइट क्लिक अनहाइड ऑल। अब इस मॉडल के साथ मुझे अटैच करना है लाइक सिंपल सा पार्ट सिमेट्री कर दिया मैंने ऑफ। ठीक है यहाँ पे मैं अगर अटैच करने की कोशिश करता हूँ एडिट पॉली में, याद रखना कहाँ अटैच करें बहुत ध्यान से सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है राइट क्लिक एंड अटैच अटैच करते हैं यहाँ पे। ठीक है ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक हिस्ट्री बनी रहे, सपोज मैंने एक एडिट पॉली ले लिया अलग से, सपोज मैं अभी कभी हटाना हो तो हटा सकता हूँ। एडिट पॉली लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है और देन मैंने यहाँ पे क्या किया